डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल बैक टू बिजनेस बाय शोभा भदौरिया। आज हम आपके लिए लेकर आए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझाया था। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव समझाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, किसी भी फर्म के लिए कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को सारे फर्म को फुलफिल करना पड़ता है। वो ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्प्लॉइज के लिए हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स के लिए हो सकते हैं, वो आपके शेयर होल्डर्स के लिए हो सकते हैं, वो आपके गवर्नमेंट के लिए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, उसके बाद उनको अचीव करने की तरफ वर्क करें। सबसे पहले हम आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम आते हैं आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की तरफ। इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए बिना आगे के दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती। सबसे पहले हम आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहला इसमें सर्वाइवल, सबसे पहला काम होता है सर्वाइव करना। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में। जब भी हम कोई भी शॉप खोलते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं, उनके बीच में आपको बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ता है। तो वो आपका सर्वाइवल होता है। बिगनिंग में अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता लेकिन आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट के बराबर होता है, तब भी आप बिजनेस रन करने के बारे में सोचते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कैसे करते हैं? आप अपने प्राइस को कम करते हैं। कम करने का मतलब लॉस करना नहीं होता, कम करने का मतलब उनसे कम रेट्स में कम प्रॉफिट में बेचना। अब हम आते हैं आपका बेटर टेक्नोलॉजी। सर्वाइवल के लिए आपको आपके कॉम्पिटिटर से बेटर टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में उतरना पड़ेगा, तभी आप उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम आते हैं आपका प्रॉफिट की तरफ। सेकंड डायमेंशन कह सकते हैं आप कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का, प्रॉफिट। अब आप सिर्फ कॉस्ट और रेवेन्यू को इक्वल करते हुए अपना बिजनेस आगे नहीं ले जा सकते। अगर आपको सक्सेसफुल ऑपरेट करवाना है तो प्रॉफिट का होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करें हम इसका, जब भी हम कोई भी अर्निंग करते हैं प्रॉफिट में या जब भी हम रेट्स बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ के, हम ये सोचते हैं कि अब हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट आपके काम आता है दो चीज़ों के लिए। पहला कॉस्ट कवर करने के लिए और दूसरा आपके रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। नोबडी नोज के फ्यूचर में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं जब आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है। उन रिस्क को कवर करने के लिए प्रॉफिट का जो पैसा होता है, वो जो आपने रिटेन्ड किया होता है, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। तो प्रॉफिट का काम आपके कॉस्ट प्लस रिस्क दोनों को कवर करने के लिए होता है। अब हम आते हैं आपके थर्ड डायमेंशन जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। हमने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रो करें। एक शॉप से दो शॉप से डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स, इस पर हमें वर्क करना होता है। एग्जाम्पल लिए अगर हम ITC का, जिसमें मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ITC ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया टैबैको से, लेकिन आज अगर आप जाने तो वो आपके बेकरी प्रोडक्ट्स, आपके हेयर प्रोडक्ट्स, सोप्स, हर चीज़ में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने आप को ग्रो किया। दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया टेक्सटाइल से, लेकिन धीरे धीरे आज अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनका फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और पता नहीं क्या क्या, पेट्रोलियम, दैट यू ऑल नो दैट। तो दैट इज दी इम्पॉर्टेंट थिंग कि ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ये क्यों जरूरी होते हैं? बिजनेसमैन के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सिर्फ अपने बारे में सोचे, अब उसको आपकी सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी के लिए होता है। सोसाइटी को आप कभी भी नजरअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी का पार्ट होता है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो जब भी वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करेगा, उसकी जवाबदेही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए कुछ करने की। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। सबसे पहला काम है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला आपको वह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं एट अ चीपर प्राइस और यू कैन से रीजनेबल प्राइस।
उसके बाद वो यूज करते हैं आपका इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पॉल्यूशन को एलिमिनेट करना है और ऐसे प्रोडक्शन मेथड को यूज करना है जो कि उनके लिए इको फ्रेंडली हो। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपका हेल्थ केयर प्रोग्राम में हेल्प करना, एजुकेशन में हेल्प करना, वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करना, ये सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपके लिए, आपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का नाम सुना होगा। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन क्या करती है कि अपना जो भी प्रॉफिट का शेयर होता है डिसेबल्ड पीपल की एजुकेशन और उनकी हेल्थ केयर पे लगाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम टाटा केमिकल्स की बात करें तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ फोकस कर रहा है। तो ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं, ताकि आपके सोशल वेलफेयर हो सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपके एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने पे वर्क कर रही है। तो ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी हम नाम लें, वो कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आप सोसाइटी का पार्ट है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तरफ, जो है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमेशा ही आपके एम्प्लॉय के लिए होता है। एम्प्लॉय एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। दे आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा है तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, ग्रो करती है। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो कभी भी आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी एलिमिनेट या नजरअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय क्या चाहता है। एम्प्लॉय आपसे फाइनेंशियल नीड चाहता है, क्योंकि जब भी उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया होगा उसने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ज्वाइन किया होगा। अगर हम बात करें तो उसको अच्छी सैलरी चाहिए, कॉम्पिटेटिव सैलरी चाहिए, बिल्कुल बायस एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, बोनस चाहिए, पर्क्स चाहिए, कार चाहिए आप कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी की वो उम्मीद करता है ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, तो वो सोशल नीड भी अपनी फुलफिल करना चाहता है। जहाँ भी वो वर्क करे वो चाहता है उसे वहाँ सोशल एक्सेप्टेंस मिले। वो हमेशा ये चाहता है कि जहाँ भी वो काम करे वहाँ उसकी पहचान हो, उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसके काम को वैल्यू किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसे एक अच्छी कंडीशन चाहिए वर्क करने के लिए, जहाँ वो सेफ हो, हेल्दी हो। कोई भी अनहेल्दी एनवायरनमेंट में कोई भी एम्प्लॉय वर्क करना नहीं चाहता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए करती है, जैसे क्रश खुलवाना, जैसे स्कूल्स की फैसिलिटीज़ देना जो कि आपके एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव वर्क करता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एसेंचर का नाम आपने सुना होगा, जो ये आईटी कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को आस्टेट हेल्प का एडवांटेज देती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय चाहे तो अपने कलीग के साथ अपनी लीव्स को शेयर कर सकता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा होटल मैरियट का, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे, वेकेशन, टूर विद फैमिली प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अपने नाम अगर हम आगे बात करें तो आपने नाम सुना होगा गूगल का। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी आवर्स देती है। हैप्पी आवर्स का मतलब 4 बजे के आसपास वो सारे एम्प्लॉयज़ आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, फन टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा वो उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, देयर आर मेनी फैसिलिटीज। तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज, बिकॉज एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है। और अगर आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। दैट इज दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब पैसा कमाना जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आई है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना। और तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉयज के बेनिफिट के बारे में सोचना। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर उसे ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है मार्केट में। अब हम आते हैं इस वीडियो के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से बेनिफिट्स ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज दी मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैंने पहले भी आपको समझाया कि हम सारे काम क्यों करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला काम होता है कि अपने लिए एक गोल सेट करना। तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है, सारे इंडिविजुअल, सारे एम्प्लॉयज को एक कॉमन गोल देके, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ वर्क करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें आपको कि एक एम्प्लॉय है, उसे क्या चाहिए, हायर वेजेस, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर सारे एम्प्लॉय मिलकर वर्क करें हायर वेजेस के लिए और वो ज्यादा काम करें,
ज्यादा काम करने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो डायरेक्टली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी इंडिविजुअल गोल के साथ अचीव हो जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंस, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का काम होता है एफिशिएंसी इंक्रीज कराना। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको समझाया कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि हमें कम से कम वेस्टेज करनी है और कम वेस्ट करके आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। बेटर प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जब आप अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का ध्यान दें। अगर आप इन पांचों फंक्शन को सही से परफॉर्म करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अभी हम आते हैं आपके, इट क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को आसानी से अडॉप्ट कर सके। हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयज हमेशा रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। क्यों? क्योंकि जो उनका एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट होता है वो उससे फैमिलियर होते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उनको सिक्योर लगता है, उनको डर लगता है कि क्या पता हम नए एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर पाए कि नहीं। लेकिन मैनेजमेंट उनकी हेल्प करता है उन चेंजिंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या फिर लीगल हो। इन सारे एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए आपका मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, अचीविंग पर्सनल गोल्स। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि पर्सनल गोल मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, और ये भी समझाया था मैंने कि एम्प्लॉय आर दी एसेट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो एक एसेट होता है। तो आपको कभी भी अपने एम्प्लॉयज को इग्नोर नहीं करना है, आपको उनका ख्याल रखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं ताकि वो सेटिस्फाई रहें, खुश रहें और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने की तरफ वर्क करें। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि हम कोई भी रिव्यू मीटिंग करवा सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि हम उसमें आपको अवार्ड्स दे सकते हैं जो कि आपका बेस्ट एम्प्लॉय है, जो कि आपका हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, जिससे वो मोटिवेट होगा और वो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट इंपॉर्टेंस में, दैट इज योर मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्क फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है और वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करें, इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है सोशल वेलफेयर की। अगर हम बात करें तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, अगर हम बात करें तो वो आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड यानी अपग्रेड टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इको फ्रेंडली मेथड यूज करते हैं प्रोडक्शन का, पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। ये इनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं सोसाइटी के प्रति, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो जमशेदपुर में टाटा स्टील ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, लाइक वहाँ पे अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्रीज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है तो उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ सोसाइटी के लिए भी होती हैं। तो आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, सेकंड इट हेल्प्स इन इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड इट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, फोर्थ इट अचीव पर्सनल गोल्स एंड फिफ्थ इज दैट इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आज हमने हमारे दो टॉपिक कवर किए, एक था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।